मैं दिल से चाहती हूँ कि दादी साहब हमारे हर फंक्शन में इन्वॉल्व हो, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि संगीत पर दादी साहब डांस करेगी। लगता मौसम नहीं चाहता कि तुम दोनों का संगीत। क्या हुआ गाड़ी को? अचानक से बंद पड़ गई। वो देखिए वहाँ ढाबा है, क्यों ना हम लोग वहाँ चले जाएं और सारे परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को वहीं बुला लें। पोदार परिवार का संगीत ढाबे में होगा। देखिए आपको जितने पैसे लेने आप ले लो, मगर हमारे बच्चों का संगीत करना है। जी ना, तुम समझ नहीं रहे हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट एपिसोड की, जहां ड्रामा और इमोशंस का सिलसिला चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस एपिसोड में रूही और अभीरा के बीच एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। अभीरा क्या कर रही है बेटा? वही जो सही है, गुजरा हुआ कल बहुत जिद्दी होता है, पर नानू वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और इस गल की वजह से मैं आज रूही को फेस नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सीन एक बड़े फंक्शन के साथ शुरू होती है, जहाँ अभीरा पूरी तरह से व्यस्त है, लेकिन अचानक से उसे बहुत अजीब लगने लगता है, जिसकी वजह से बेचारी इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है कि वो गिरने ही वाली होती है, जब उसका पैर कर्टन्स में फंस जाता है। लेकिन तुम्हारा ये हक मैं तुमसे नहीं छीनूंगी। I'm sorry अरमान, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अभीरा ऐसे मत जा बेटा। तभी रूही आती है और अभीरा को गिरने से बचा लेती है। ऐसा अक्सर नहीं होता, क्योंकि रूही हमेशा से अभीरा का बुराई ही चाहती है, लेकिन इस बार तो जादू ही हो गया। इस हीरोइज्म एपिसोड के बाद हमें रूही और अभीरा के बीच गरम गल्ला होते हुए दिखाई देगा। जी हाँ, रूही सरकास्टिक टोन में अभीरा के फंक्शन को मैनेज करने और शादी में इंटरेस्ट दिखाने पर कमेंट करती है। वो अभीरा की खुशी को लेकर भी सवाल उठाती है, ये कहकर कि वो खुशी उसकी अपनी फीलिंग से ज्यादा है। अभीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो जवाब देती है कि रूही के एक्सप्रेशन से ही दिख रहा है कि वो अभीरा की खुशी से परेशान है। जब अभीरा अपने नाना का जिक्र करती है तो रूही का रिएक्शन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। रूही का रिएक्शन अभीरा के नाना का नाम लेने पर बताता है कि उनके रिश्ते में एक नया ट्विस्ट है। रूही अभीरा को रोक देती है और कहती है कि नाना सिर्फ उसके ग्रैंडफादर हैं और अभीरा के नहीं हैं। ये ट्विस्ट ज्यादा ड्रामा को जन्म देता है और ये हिंट करता है कि फैमिली कनेक्शंस और भी ज्यादा एक्सप्लोर होना बाकी है। तो ये एपिसोड कैसा लगा? रूही और अभीरा के रिश्ते पर क्या नए रिवेलेशन होने वाले हैं? और क्या आपको लगता है कि जब अभीरा की सच्चाई सबके सामने आएगी कि वो अक्षरा की बेटी है, तो सबका रिएक्शन क्या होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।